सीजन 4 जो हम करने जा रहे हैं बिकॉज इट्स माई फर्स्ट एल्बम सॉन्ग, सो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके और आगे अच्छा करने वाले हैं इस सॉन्ग को लेकर. तो आप मतलब किस टाइप का गाना है, थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहिए. ये सॉन्ग बेसिकली एक इमोशनल सॉन्ग है और रोमांटिक सॉन्ग है, दोनों मिक्स सॉन्ग है. अच्छा. या एक मकरा हम सुनना जरूर चाहेंगे. राइट. जी जी. हम एक मुखड़ा हम जरूर सुनना चाहेंगे इस ट्रैक का. उससे मुखड़ा सुनने से पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मिसेस दिव्या यहाँ पे आई हैं आपको सपोर्ट करने के लिए एल्बम के लिए, और मिसेस यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करने के लिए आई हैं यहाँ पे. नहीं, एक न्यूज मैं आपको ये देना चाहूंगा कि बोथ डिवा ऑफ इंडिया ये सीजन 3 की विनर है, जो कि हमारा लास्ट शो राजस्थान में हुआ था. वी आर गोइंग टू बोथ ऑफ टू, मतलब कि दोनों जो है ये हमारे मिसेस मिस यूनिवर्स रह चुके हैं, इंडिया यूनिवर्स रह चुकी हैं 18 की, और ये डिवा ऑफ इंडिया सीजन 3 की विनर है. बोथ आर फीचरिंग इन दिस एल्बम. ओके. तो दिस इज़ द टीम की सिंगर यहाँ है मॉडल एक्ट्रेस फरहा खान एंड मैरी शाकिया बोथ हेयर. ये चीजें कि मैरी शाकिया हमारे साथ है, क्राउन के साथ है. मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना सपोर्ट मिल रहा है इन लोगों का और क्या कुछ कहना चाहोगे इनको, खास करके आपके एल्बम लॉन्च पे आए हैं. फरा से तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है. इनफैक्ट आज मैं इसके साथ डबिंग पे भी गई थी. जलस भी हो रही है कि तुम फ्यूचरिंग कर रही हो. ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता. और मैरी आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा. वो फर्स्ट टाइम लाइक मुंबई शायद, आई डोंट नो, तो मुझे अच्छा लग रहा है वो आई हुई है. फरा आप क्या कहना चाहोगी, फ्यूचरिंग करने जा रही हैं प्रज्ञा, कितनी खुशी हो रही है? मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, और मैं इतना जानती हूँ जो इसने किया है वो बेस्ट है. सो एल्बम लॉन्चिंग के बाद आपको पता चलेगा किसने कितना अच्छा किया है. सो गॉड ब्लेस यू. या थैंक यू. जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से शुभकामनाएं होंगी प्रज्ञा के लिए? आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वंडरफुल एल्बम. एंड आई नो दैट यू आर अ वंडरफुल सिंगर आल्सो. आई हर्ड योर वॉइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. सर आपकी क्या शुभकामनाएं होगी इस प्रज्ञा के लिए? प्रज्ञा के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, और ये जो वायरस है यश गुप्ता, वो वायरस इसमें दौड़ रहा है, इसलिए ये गाना हो रहा है. ये बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे यूआरएस कंपनी लेके आया है. आपको कैसा लगा ये गाना? आपने बहुत अच्छा गाना है. हम लोगों ने अपने मोबाइल उसको रिंगटोन लगा लिया. हम लोगों ने सुबह से कम 10 बार सुन चुके हम लोग. जितनी बार फोन आता है सुनते रहते हैं उसका. और ये गाना सक्सेस होगा, देखिएगा. आशाएं हैं आपको बहुत ज़्यादा. हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन लोगों को. कल इसका लॉन्च होगा जो शो में. रिलीज की अगर बात की जाए तो हमारे जी म्यूजिक से भी बात चल रही है, टी सीरीज से भी बात चल रही है. बट कहा जाता है कि जब तक फाइनल ना हो किसी भी कंपनी का हम नाम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. राइट. बट हमारी बात चल रही है, आशाएं और अपेक्षाएं के साथ लाइफ आगे बढ़ती है. और कहीं ना कहीं जहां से भी ये रिलीज़ होगी ये अच्छे लेवल पे जाएगी. और ये अपना एक कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह का ये ट्रैक हमने बनाया है, रियली आने वाले टाइम में यूथ को यस, ये हमारा अपना है कि ये हर मोबाइल पे रहेगा. और ये सॉन्ग्स बहुत ही जल्दी, इस जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हमने अपनी कंपनी वायरस बनाई, वायरस आपको भी पता है कि जल्दी वायरस एंटी वायरस
इसका बनता नहीं है, तो हमने ये सॉन्ग भी ऐसा बनाया है कि जल्दी लोगों के साथ ये आगे स्प्रेड हो। प्रज्ञा, चलते चलते दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं ये गाना, दर्शकों के लिए क्या आप गुनगुना सकेंगे? जी बिल्कुल जी। मेरी मोहब्बत